ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। शरीफुद्दीन साहब, शरीफुद्दीन साहब, क्या हुआ, कहां खो गए आप? कहीं नहीं, हम तो बस ये सोच रहे थे कि गलत फहमी ने शहनशाह और जोधा बेगम को कितना दूर कर दिया है। पता नहीं ऐसा बार बार क्यों होता है। एक बार हमारी वजह से गलत फहमी हुई थी और अब खैर, खुदा दोनों के रिश्ते को बचाए। अब इजाजत दीजिए, हमें यह बात सुनकर बहुत बुरा लगा। बुरा तो हमें भी लग रहा है शरीफुद्दीन, मगर इस बात का कि जलाल और बेगम छोटा के बीच में जो गलतफहमी पैदा हो गई थी वो अब दूर होने वाली है। एक बार ये गलतफहमी दूर हो गई, उसके बाद जलाल और बेगम जोधा एक दूसरे से ज्यादा दूर नहीं रह पाएंगे। जलाल पूरी कोशिश करेंगे बेगम जोधा को आगरा वापस लाने की, लेकिन जब तक बेगम जोधा महल से दूर है तब तक हमें अपनी अगली चाल का इंतजाम करना पड़ेगा। अम्मीजान, अम्मीजान, रुकिए। या अल्लाह, रुकिए जरा। क्या हुआ? हमें आपसे अपना गम बांटना था। किस बात का गम? आदम खान तो आ गए ना? वो तो लौट आए हैं, लेकिन महर का नूर चला गया है। अम्मी जान, जोधा बेगम महर छोड़ के चली गई। हमें तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा उनके बिना। जावेदा, हमें बहुत जरूरी काम याद आ गया है, हमें जाना होगा। ठीक है, हम बाद में बात करेंगे। हाँ अल्लाह, अब तो अम्मी जान को भी यही लगता है कि जोधा बेगम पे कोई काला साया है। लेकिन ऐसे साये को भगाने के लिए तो किसी काबिल फकीर या ओझा की जरूरत होती है ना। हम तो अम्मी जान से पूछना भूल ही गए कि वो किसी काबिल ओझा को जानती है कि नहीं। हाँ, हम अभी पूछ के आते हैं। अम्मी जान, रुकिए। इतना गुस्सा, इतनी नाराजगी, एक बार गुस्से में आकर क्या चले जाएं, आप तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर चली गई। एक बार भी आपने हमें जवाब नहीं दिया, एक बार भी आपने नहीं कहा कि हम गलत हैं, हम आप पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। क्या करें, जोधा बेगम वैसे ही हैं। हमें पहली बार मोहब्बत हुई है, मोहब्बत का तजुर्बा नहीं है हमें। माना हमें गुस्सा आ जाता है, लेकिन कम से कम आप तो समझदार हैं, आपको तो हमें संभाल लेना चाहिए था हर बार की तरह। ठीक है, हमसे गलती हो गई, गलती नहीं गुनाह हुआ है हमसे कि हमने आप पर शक किया, लेकिन उसके हालात आपने ही पैदा किए हैं जोधा बेगम। क्यों आपने हमें सच नहीं बताया? क्यों आपने हमसे ये राज छुपाया? क्यों आपने हमें झूठ कहा? बस एक शहनशाह है, खुदा नहीं है जो हम आपके मन को पढ़ लेते। हम बस एक इंसान है, गलती हो गई हमसे, लेकिन आपको हमसे लड़ना चाहिए था जोधा बेगम, कहना चाहिए था कि हम गलत कह रहे हैं, आपको हमसे झगड़ना चाहिए था। आप कभी बांदियों के लिए लड़ी, कभी हमारी बहन बख्शी बानों के लिए लड़ी, कभी ख्वाजा सरा के लिए लड़ी, कभी आवाम के लिए लड़ी, लेकिन खुद के लिए क्यों नहीं लड़ी आप जोधा बेगम? ठीक है, हमने गुस्से में आकर आपको बहुत कुछ बुरा कह दिया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर चली जाएं। क्या आपका इस महल पर, इस खानदान पर, हम पर कोई हक नहीं? हमारे लिए ना सही, कम से कम आपको अम्मी जान के लिए रुकना चाहिए था जो आपको अपनी बेटी मानती है, रहीम के लिए रुक जाना चाहिए था जो आपको अपनी छोटी अम्मी जान मानता है, जो आपसे कहानी सुने बगैर सो नहीं पाता। आपको सलीमा बेगम के लिए रुकना चाहिए था जो आपको अपनी बहन मानती है। आपको आवाम के लिए रुकना चाहिए था जो आपके लिए दिन रात दुआ करता है जोधा बेगम। अब जाकर अपनी गलती समझ आई तुम्हें जलाल? अब जाकर जोधा की अहमियत समझ आई? अम्मी जान, हम मत कहो हमें अम्मी जान, तुम
रिश्तों की अहमियत समझते कहाँ हो? तुम्हारे लिए हर रिश्ता महज एक नाम है और कुछ नहीं। अपने साथ साथ तुमने हमें भी जोधा का सामना करने लायक नहीं छोड़ा। मिजाना, मैं माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। तो तुम्हारी गलती की सजा हम क्यों भुगते? रहीम क्यों भुगते? सलीमा बेगम क्यों भुगते? ये आवाम क्यों भुगते? जोधा सिर्फ तुम्हारी बीवी नहीं है जलाल, वो हमारी बेटी थी। जोधा ऐसी नेक औरत है कि शैतान भी उस पर शक नहीं कर सकता। और तुम? अम्मी जान, हमने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। बस जलाल, हमें सफाई ना दो। जानबूझकर ना सही, अनजाने में, मगर गुनाह गुनाह होता है और हर इंसान को अपने गुनाह की जिम्मेदारी लेनी होती है। हमें फक्र है जोधा पर कि उसने अपनी इज्जत पर लगी ठेस का जवाब दिया, चली गई यहाँ से। कोई भी गैरतमंद औरत अपनी पाकीजगी पर कीचड़ उछलते नहीं देख सकती जलाल। एक शहंशाह को परख होनी चाहिए, नेकी की, बदी की। हमारी जोधा तो हीरा है और तुम उसे परख नहीं पाए। अम्मी जान, कम से कम आप तो हमसे नाराज ना हो, हमें मुआफ कर दीजिए। कैसे मुआफ कर दे? एक माँ का दिल टूटा है, उसकी पाक बच्ची पर इल्जाम लगा है। हमारी बेटी के लिए तुम्हारे दिल में अगर जगह नहीं है तो ये तस्वीर यहाँ रख कर क्या हासिल कर लोगे तुम? हम अपनी बेटी की तस्वीर अपने साथ लेकर जा रहे हैं। अम्मी जान, कम से कम आप तो हमें मुआफ कर दीजिए, हमसे नाराज मत होइए। तुम्हारा ही उसूल है ना जलाल, कि गुनहगार को वही मुआफ कर सकता है जिसके साथ उसने ज्यादती की हो। तुम हमारी बेटी जोधा के गुनहगार हो, पहले उससे जाके मुआफी मांगो। रही बात हमारी, तो हम जोधा के गुनहगार को तभी मुआफ कर पाएंगे जब वो हमारी बेटी को हमारे पास वापस लेकर आ सके। अम्मी जान कहाँ जा रही हैं? इस उम्र में भी अम्मी जान में कितनी फुर्ती है। अल्लाह, हम तो अभी से थक गए। कदम बढ़ाने होंगे जाविदा, कदम बढ़ाने होंगे। अल्लाह, कितने खूबसूरत देवरात हैं। भाई जान, क्या कीमत होगी इस हार की? 20 सोने के सिक्के। बस इतना सस्ता? आप ऐसा करिए, आप इसे अपने पास रखिए, हमें भी सिक्के लाना भूल गए। हम जरा अभी अपनी अम्मी जान से लेके आते हैं। अम्मी जान, तो अम्मी जान के पीछे थे ना, कहाँ गई? मजाक का रास्ता है ही नहीं। अम्मी जान कहाँ जा रही हैं? चलो अच्छा है, हम पीछे से पकड़ के उन्हें अचानक हैरान कर देते हैं। लेकिन ये तो जंगल की ओर जा रही है, वहाँ तो जंगली जानवर होंगे। अगर किसी ने उन पर हमला कर दिया तो ये तो और भी बेहतर है। जैसे कोई जानवर उन पर हमला करेगा ना, हम अचानक जाके बचा लेंगे। माफ करना अम्मी जान, आप हमारी अम्मी है, आपको बचाना हमारा फर्ज है। पकड़ ना ले हमें कहीं। Thank you.
हमें आपसे मोहब्बत हो गई थी जोधा बेगम, जोधा बेगम। हम आप में एक मोहब्बत की रोशनी देखने लगे थे और आपने उस रोशनी को नापाक कर दिया अपनी इस नाकारी से। तो हम जोधा के गुनहगार को तभी माफ कर पाएंगे जब वो हमारी बेटी को हमारे पास वापस लेकर आ सके। जोधा बेगम, हमने कभी ख्याल नहीं किया था कि इस कदर गुनहगार बन जाएंगे हम आपके। हमने यहाँ पर कितनी तोहमतें लगाई और आप हमेशा अपना फर्ज अदा करते रहे। हम आपकी वफादारी, आपकी मोहब्बत को पहचान ना सके। हमने आपके दिल को ठेस पहुंचाई है, रिश्तों में दरार हमने ही पैदा की है और हम ही उसे भरेंगे। जोधा बेगम, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं शहंशाह, पर आपने हमें बहुत दुख पहुंचाया है। तुमसे हो गया बेवजह खफा, दिल भी पशीमन हुआ है। तुमने जो समझा, तुमने जो जाना, सच है कि वो सच नहीं था। कैसे कहूँ मैं तुम माफ कर दो, दिल कश्मकश में पड़ा है। होंठ सिले थे कह नहीं पाई, ना रूठोगे ये यकीन था। दिल कश्मकश में पड़ा है। जलाल, हम जानते हैं कि आप जोधा बेगम को लेकर बहुत परेशान हैं, लेकिन आप एक शहंशाह हैं और इस तरह जज्बाती होना ठीक नहीं है। और आज तक आप कभी किसी के लिए इतने जज्बाती नहीं हुए, तो फिर आज ऐसा क्या है? क्योंकि आज तक कभी हमने इतनी नाइंसाफी नहीं की है। आपको अंदाजा भी नहीं है हमने जोधा बेगम को कितनी तकलीफ पहुंचाई है। हमने उन पर भेजा इल्जाम लगाया, उनकी पाकीजगी को ललकारा, उनके भाई के साथ रिश्ते पर भद्दा इल्जाम लगाया हमने। हम बहुत शर्मिंदा हैं रुकैया। आदाब शहंशाह, आदाब रुकैया, आपने हमें याद फरमाया शहंशाह। हाँ सलीमा बेगम, आज हमें आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। हमने बिना सच जाने जोधा बेगम पर शक किया और उनके दिल को ठेस पहुंचाई, उन्हें तकलीफ दी, उन पर बेसल सम लगा, यहां तक उनको जाने का हुक्म दे दिया। सजा हमने उन्हें दी, लेकिन सजा हम खुद काट रहे हैं। हम जानते हैं शहंशाह, हम माफी चाहते हैं। हम अच्छे से जानते हैं कि आपने जोधा बेगम के साथ सही बर्ताव नहीं किया, और हम ये भी अच्छे से जानते हैं कि आप जोधा बेगम से बेहद मोहब्बत करते हैं। और शायद इसलिए ही आज आप इतनी तकलीफ में हैं। तो फिर इस तकलीफ को खत्म करने का कोई रास्ता बताइए। आप हमेशा हमें सही राय देती आई हैं, इस बार भी कोई सही राय बताएं हमें। हम माफी चाहते हैं, इस मामले में हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं शहंशाह। कहने के लिए शोहर और बीवी दो होते हैं, लेकिन उनका रिश्ता एक है और इन दोनों के बीच में किसी और की कोई जगह नहीं होती है, ना किसी की मौजूदगी की और ना ही किसी की सलाह की। इस तरह के मामले केवल वो दोनों ही सुलझा सकते हैं, कोई और नहीं शहंशाह। हम जानते हैं कि ये जख्म आपने ही दिया है और आपने ही खाया है, इस पर मलहम केवल आप ही लगा सकते हैं, कोई और नहीं।
शहंशाह रिश्तों में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और कई बार ऐसे हालात आते हैं कि इंसान गलती कर बैठता है। गलतफहमियों को रिश्तों के बीच में पनाह आपने दी है और इन्हें केवल आप ही दूर कर सकते हैं, कोई और नहीं। आपको जोधा बेगम का सामना करना होगा शहंशाह, आपको उन्हें अपने जज्बातों से वाकिफ कराना होगा। और हम अच्छे से जानते हैं कि जोधा बेगम इस वक्त बहुत दुखी हैं। उन्हें बहुत दुख पहुंचा है आपके शक भरे रवैये से और वो बहुत खफा भी होंगी आपसे। शायद इसलिए ही आज वो बिना किसी से बताए महल से अकेले चली गई हैं। लेकिन हमें यकीन है शहंशाह, और हमें उम्मीद भी है कि वो आपके हालात को समझेंगी और आपको मुआफ भी कर देंगी। उन्हें इस वक्त केवल आपकी जरूरत है शहंशाह, और केवल आप ही हैं जो उन्हें इस महल में वापस ला सकते हैं। सही कहा आपने, अगर जख्म हमने दिए हैं तो मरहम भी हम ही लगाएंगे। महल छोड़कर जोधा बेगम खुद गई थी तो शहंशाह क्यों जाएंगे उन्हें मनाने? ये वक्त गुरूर जताने का नहीं है रुकैया बेगम, ये वक्त है मोहब्बत जताने का शहंशाह। बजा फरमाया आपने, हम जाएंगे उन्हें ढूंढने और उन्हें वापस लेकर ही लौटेंगे। जान को कह दीजिएगा कि हम अपने गुनाह का मलाल है और हम उनकी बेटी को लेकर जरूर वापस लौटेंगे। जी शहंशाह। अदगा साहब, जब तक हम वापस नहीं लौट जाते आप वजीर आलिय का साथ दीजिएगा, जरूरत पड़ने पर मुनीम खान को भी अपने साथ रख लीजिएगा। हम फरद खान के साथ जा रहे हैं, जोधा बेगम को लेकर ही वापस लौटेंगे। अदका साहब, हुक्म की तामील होगी हुजूर। एहसास क्या होता है ये हमें उस दिन पता चला जोधा बेगम। मौत की चाल से आपको वापस पा लिया, लेकिन शक के चलते आपको खो बैठे जोधा बेगम। आपने केवल हमें खोया, हम तो अपना सब कुछ गवा बैठे शहंशाह, क्योंकि एक पत्नी के लिए अपने पति का विश्वास ही सब कुछ होता है। आपने हम पर संदेह क्या किया, सब खो दिया हमने। हमें डर लग रहा था कि न जाने आप कहां होंगी, किस हाल में होंगी, कहां गई होंगी। और हमें कोई डर नहीं था, क्योंकि जिसका डर था उन्हें तो हम पहले ही खो चुके थे। आपने हमें अपने हृदय से निकाला और हमने अपने आप को अपने जीवन से अलग कर लिया। जो सच हम बोल नहीं पाए वो देख सकते थे आप, परंतु नहीं, हमारे मौन को हमारा अपराध मान लिया था आपने और हमारे प्रेम को पाप। यही तो गुनाह किया कि आपको गुनहगार समझ बैठे। हमें गुमान तक ना था कि हमारा शक आपको हमसे इस कदर दूर कर देगा। इतनी तकलीफ भी शायद इसीलिए हुई क्योंकि हम आपसे मोहब्बत करने लगे थे। हम ख्वाब में भी नहीं सोच सकते थे कि हमारे अलावा कोई और ख्वाब में भी आपका दीदार करे, और अब बस एक ही ख्वाब था हमारा,
कि आपका दोबारा दीदार हो जाए।